नमस्कार दोस्तों, महत्व इसका नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 23 अक्टूबर दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी मिथुन राशि है तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज रविवार है, आज सूर्य नारायण भगवान का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण भगवान अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन करें। दोस्तों आज का पंचांग जान लेते हैं। आज का पंचांग 23 अक्टूबर दिन रविवार, आज की तिथि त्रयोदशी, आज का नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र चल रहा है, सूर्योदय 6:31 AM, सूर्यास्त 5:51 PM, सूर्य राशि सूर्य तुला राशि पर है, अभिजीत मुहूर्त 11:48 AM से 12:33 PM। आज का चाणक्य विचार, आचार्य चाणक्य ने व्यापार और नौकरी में सफलता पाने के लिए कई गुण बताए हैं, इसे अपनाने वाले तरक्की को प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं, असफलता से डरे नहीं, सफल वही होता है जो असफलता से घबराता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, जीत में सुख है, हार में सीख है। सफलता की पहली सीढ़ी होती है आत्मविश्वास। कामयाबी का रास्ता पथरीला होता है, व्यक्ति डगमगाता है, गिरता है, लेकिन जो चोट को लेकर आंसू बहाने बैठ जाए वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वही लाख जख्म को सहने के बाद भी जो खुद पर और अपने काम पर विश्वास रखे, उसे सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जीवन में कई ऐसे पड़ाव आएंगे जहाँ हार का मुँह देखना पड़े, ऐसे समय में अपनी हार पर विचार करें, कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, इसका एनालिसिस कर भविष्य की रणनीति तैयार करें, अवसर को छोड़े नहीं। आज के दौर में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ गया है, इसीलिए जब भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले उसे गवाए नहीं, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अधिकारियों के समक्ष अपने काम को प्रस्तुत करें। ऐसे समय में आलस कभी नहीं करना चाहिए, कल का काम अगर आज ही कर लिया तो सफलता जरूर मिलेगी। व्यक्ति को सदैव मौका मिलने पर आगे बढ़ने की ही कोशिश करनी चाहिए। सवालों के जवाब तलाशें। कई बार हम व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर अपने बॉस या मालिक से सवाल पूछने में संकोच करते हैं, संकोच करने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। अधूरा ज्ञान हमेशा व्यक्ति का नुकसान करता है, इसीलिए जब किसी विषय की जानकारी पूरी ना हो तो सवालों के जवाब तलाशें। तो चलिए मित्रों आज का मिथुन राशिफल जान लेते हैं। आज आप पूरा दिन एंजॉय करेंगे, परिवार के साथ किसी अच्छी जगह घूमने जाएंगे, आपका पूरा दिन मौज मस्ती में बीतेगा, जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, आज दिल खोलकर उनसे बातें शेयर करें, स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा, माता पिता के साथ पार्क में सैर के लिए जा सकते हैं, गणेश जी को प्रणाम करें, आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, आप अपने परिवार के लिए अपनी खुशियां बलिदान करेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आर्थिक परेशानियों के चलते आपको आलोचना और वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे लोगों से ना कहने के लिए तैयार रहें जो आपसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाए हों। आज दिवाली का दिन खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। आज अपने प्रिय को माफ करना ना भूलें, बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती हैं। आज का दिन वाकई जी भर कर पार्टी करने के लिए बढ़िया है, लेकिन किसी भी चीज की अति से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो सेहत खराब होने के आसार हैं। आज जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें, हालात को काबू रखने के लिए अपने भाई की मदद लें, विवाद को ज्यादा तूल देने के बजाय उसे दोस्ताना तरीके से हल करने की कोशिश करें, परीक्षा की अपेक्षा सफलता की प्राप्ति कम होने से आर्थिक संकट की चिंता रहेगी, बिना सोचे समझे निर्णय ना लें, ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। आज दिवाली का दिन आपकी कड़ी मेहनत और निष्ठा खुद आपके लिए बोलेगी व दूसरों का विश्वास और सहयोग आपको हासिल होगा। आज दिवाली के दिन आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें, अपने जीवन में एक संगीत पैदा करें, समर्पण का मूल्य समझें और हृदय में प्रेम व कृतज्ञता के फूल खिलने दें। आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो रहा है। आज अपने प्रिय से दूर होने का दुख आपको टीज देता रहेगा। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपने शब्दों को गौर से चुनें। आपके जीवन साथी की ओर से मिला कोई खास तोहफा
आपके खिन्न मन को खुश करने में काफी मददगार साबित होगा। सितारों की माने तो आज आप अपने दोस्तों के साथ एक बेहतरीन शाम गुजारने वाले हैं। बस इतना याद रखिए कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो तो अच्छी नहीं होती है। आज आपका दिन सामान्य रहेगा। कोई पुरानी बात आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। परिवार से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। धैर्य और संयम से काम लें। रिश्तेदारों के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है। कुछ लोग आज आपकी बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। आज विवादों से दूर रहना बेहतर होगा। ब्राह्मण के पैर छूकर आशीर्वाद लें। आपकी सभी समस्याओं का हल निकलेगा। आज आलस का अनुभव होगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। धन हानि का योग है। संतान सुख की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा। कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे और आपके कामकाज में कमी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के कार्यों में विघ्न आ सकता है। आप आत्मविश्वास व मनोबल के लिहाज से आप काफी ऊंचे पायदान पर रहेंगे। आपका लक्ष्य से ध्यान हटेगा। अगर आप जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालेंगे और गैर जरूरी काम करेंगे तो आज का दिन काफी निराशाजनक हो सकता है। अपने नकारात्मक रवैये के चलते आप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह इस बात को समझने का सही वक्त है कि चिंता की आदत ने आपके सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है। हालात के उजले पहलू की ओर देखें और आप पाएंगे कि चीजें सुधर रही हैं। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। बच्चों के साथ बातचीत और काम काज में आप कुछ परेशानियां महसूस करेंगे। प्यार का जज्बा ठंडा पड़ सकता है। आज आपके पास लोगों से मिलने जुलने का और शौक पूरे करने का पर्याप्त खाली वक्त है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए यह जीवन के सबसे मुश्किल समय में से एक हो सकता है, जब आपके परिजन सप्ताहांत में आपको कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर करते रहे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहना आपके फायदे में साबित होगा। आज दिवाली के दिन आपको धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। धैर्य से आज आपके सारे काम बनते नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनी रहेगी। जीवन साथी से अपने कामों में सहयोग मिल सकता है। आज बच्चों की खुशी को देखकर खुद भी खुश होंगे। वो आज खुद के लिए समय निकालने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी रखें। आपकी सफलता निश्चित है। आज परिवार के सदस्यों के सहयोग से आप समस्या का समाधान करने में सफल रहेंगे। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने की कोशिश संतोषजनक साबित होगी। आप जो भी कार्य दूसरों की भलाई के लिए करेंगे उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको रुचिकर मित्रों और स्वजनों के साथ घूमने फिरने से आनंद उल्लास प्राप्त होगा। आपको अपने घर में सबसे ज्यादा माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। सुनी सुनाई बातों पर आंखें मूंद कर यकीन ना करें और उनकी सच्चाई को भली भांति परख लें। अपना मूड बदलने के लिए सामाजिक मेलजोल का सहारा लें। निवेश से जुड़े अहम फैसले किसी और दिन के लिए छोड़ देने चाहिए। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। प्रेम भगवान की पूजा की ही तरह पवित्र है। ये आपको सच्चे अर्थों में धर्म व आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप आज एक शानदार शाम गुजार सकते हैं। तस्वीरें जीवन का दिलचस्प पहलू होती हैं। अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर आप पुरानी खुशनुमा यादों में एक बार फिर से खो सकते हैं। आप जीवन साथी और बच्चों को पूरा पूरा समय देंगे। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज आप काफी तरोताजा महसूस करेंगे और अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सहयोगी भी आपका पूरा काम करवाने में आपकी मदद करेंगे। मनोरंजन का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। फिजूल खर्ची अवॉइड करें। सरस्वती जी को पीले फूल चढ़ाएं। आपके जीवन में ताजगी बनी रहेगी। आज दिवाली के दिन शुभ कार्यों का आयोजन होगा। आनंद और खुशी लहलाएगी। आपके संबंध को नई गहराई मिलेगी। आपकी जिंदगी में आज आपका प्यार कदम रखेगा। आपको भी तेजी से कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। अपने साथी से प्राप्त हुए रोमांचक संदेश से आज आप फूले नहीं समाएंगे। आस पड़ोस के लोगों के साथ भावनात्मक संबंध रहेंगे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी। उपाय, किसी भी कार्य से बाहर जाते वक्त मस्तक पर लाल टीका लगाकर जाना आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।